की, भारत माता की। पूज्य स्वामी जी बाबा रामदेव, एक्शन कमिटी अगेंस्ट करप्शन इन इंडिया, इनके आदरणीय समिति की सदस्यगण और उपस्थित इस विशाल सभा में उपस्थित भारत के आदरणीय नागरिकों, सबसे पहले भ्रष्टाचार के लिए आवाज बाबा रामदेव ने इस हिंदुस्तान को दिया था। और 2 साल से ज्यादा इसके पूर्व स्वामी जी ने विदेश में जो जमा हुआ पैसा है उसको लाने के लिए पहले पहले उन्होंने आवाज दी थी, तभी लोगों को पता लगा कि 70 लाख करोड़ से भी ज्यादा विदेश में हमारी भारतीयों का पैसा जमा हुआ है, उसको वापस लाने की जो उन्होंने एक जंग का ऐलान किया, एक युद्ध का घोषणा की, इससे हम सब प्रेरित होकर के हमने अलग अलग आयाम में काम शुरू की थी। एक्शन कमिटी अगेंस्ट करप्शन की समिति बनाने की इसलिए जरूरत हुई क्योंकि स्वामी जी ने जनता में बहुत काम किया, जनता को बड़े भीड़ में इकट्ठा किया। मार्च मास में दिल्ली में रामलीला ग्राउंड्स में जो विशाल सभा हुई, जिसमें अपने बल पर अपने शक्ति पर लोग आए, उनको कोई बिरयानी की पोटली देने की जरूरत नहीं पड़ी, ट्रक में लाने की जरूरत नहीं पड़ी, अपनी इच्छा से लोग आए और इससे भयभीत होकर आप जानते हैं कि जून मास में सरकार ने क्या कुकर्म किया। और उस समय हमने ये सोचा कि स्वामी जी तो सारे देश में जनता से प्रिय हैं और जनता की को इकट्ठा कर रहे हैं, तो हम एक दूसरे आयाम में काम करें, वो है कानूनी तौर पर। और उस कानूनी तौर पर करके स्वामी जी का हम सहायक बने, उनको मदद करें। इस देश में जो भी सेना में काम करते हैं वो हमारे परंपरा के अनुसार एक सन्यासी का आशीर्वाद के साथ ही करना होता है, ये हमारा धर्म है। तो स्वामी जी के आशीर्वाद से हमने इस समिति का काम शुरू किया है और उस कमिटी के सदस्य, जिस समिति का अध्यक्ष मैं हूँ, और उसमें कर्मठ हमारे समाज में सेवा करने वाले गोविंद आचार्य हैं, वो उसके एक सदस्य हैं। उनको कुछ जेपी के काल में जेपी इनको मानते थे कि इनका बना कोई संघर्ष नहीं हो सकता है, तो हमें गर्व है कि वो इस समिति का सदस्य बने हैं। दूसरा है एक महाबुद्धिजीवी जिनके लेख से सरकार घबराती है, वो हैं श्री एस गुरुमूर्ति, वो भी इसके सदस्य बनने के लिए तैयार हुए और वो वहाँ फ्रंट रो में बैठे हुए हैं। और हमारे देश की जो गुप्तचर विभाग है, इंटेलिजेंस ब्यूरो, उसके बड़े शानदार से संचालन करने वाले डायरेक्टर रहे हुए अजीत डोवाल आज रिटायर हो गए हैं, वो भी हमारे सदस्य बनने के लिए उन्होंने स्वीकार किया। हमारे देश के एक प्राध्यापक
जिन जो पहले एक बार एडिटर भी रहे, दुनिया में राष्ट्रीय सुरक्षा में उनकी मान है, उस विश्लेषण के लिए उनकी पूछ है, उनको लोग दुनिया भर में बुलाते हैं, वो हैं प्रोफेसर मोनू नालापात, वो भी हमारे सदस्य बने हैं। हमारे देश के एक बहुत मशहूर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, और देश का नंबर वन है बेंगलोर वाला, उसमें फिनेंस का प्रोफेसर, यानी छोटा मोटा प्रोफेसर नहीं है, कॉलेज का प्रोफेसर नहीं है, आईआईएम का सबसे वरिष्ठ प्रोफेसर, प्रोफेसर वैद्यनाथन, वो भी उन्होंने भी स्वीकृति दे करके आज यहाँ उपस्थित हैं। जितना विदेशी बैंकों के बारे ये जानते हैं वो कि कोई नहीं जानता है, इसीलिए सब उनके नाम पर घबराते हैं, वो हमारे समिति के मेंबर बन गए हैं, तो हम सब मिलकर के उनसे फायदा लेंगे। हमारे देश के एक बहुत वरिष्ठ पत्रकार जिन्होंने कभी इन्हें निर्डर होकर के हर बात पर पोल खोलने वाले, कभी कभी पायनियर में लिखते हैं, रिसर्च के किताब पुस्तकों को तैयार करते हैं और प्रकाशन करते हैं, उनका नाम है सूर्य प्रकाश, वो भी हमारे सदस्य बने हैं। हमारे यूनाइटेड नेशंस में एशियन डेवलपमेंट बैंक के वरिष्ठ डायरेक्टर रहने वाले, जो आज नहीं आ सकते हैं उनके अस्वस्थ के कारण, डॉक्टर कल्याण रामन, वो भी हमारे सदस्य बने हैं। इसीलिए इसी प्रकार से एक वरिष्ठ आईएएस के अधिकारी जो सेक्रेटरी लेवल के बाद पाने के बाद वो रिटायर हुए, आजकल हिंदुत्व पर बड़े शानदार लेख लिखते हैं, उनका नाम है वी सुंदरम, वो भी आज आ नहीं सके। सारा जो तिगड़म हमारी वित्तीय दुनिया में होती है, किस तरीके से शेयर की घोटाला होती है, किस तरीके से विदेशों में पैसा जाती है, इसकी सारी जानकारी रखने वाले एमआर वेंकटेश, वो भी हमारे सदस्य बने हैं। टू जी स्पेक्ट्रम का घोटाला को पहले प्रकाशन में लाने वाले और निर्डर होकर के पोल खोली, सारे डॉक्यूमेंट्स की छापकर पायनियर अखबार में, जो आज हिंदुस्तान में कई जगहों में उनको इंडियन ऑफ द ईयर के नाम पर पुरस्कृत हुए हैं, वो हैं हमारे जे गोपी कृष्णन, वो भी हमारे सदस्य बने हैं। हमारे देश के सबसे मशहूर इनकम टैक्स के वकील, जो जितना इनकम टैक्स के बारे जानते हैं, जितना इनकम टैक्स को जो घोटाला करते हैं उनको पकड़ने के सक्षम रखने वाले हैं, दिल्ली में रहने वाले वरिष्ठ वकील संपत आयंगार, वो भी हमारे सदस्य बने हैं। अभी अभी झारखंड में बड़े प्रसिद्ध होकर मधु कोड़ा के जो सारा घोटाला निकाल करके उसको जेल भेजे भूतपूर्व विधायक सरजू राय, वो भी हमारे सदस्य बने हैं। आखिर में जो अभी संचालन कर रहे थे और हमारी कमेटी की सचिव हैं अभिषेक जोशी, जो विदेशों में शिक्षा प्राप्त करने के बाद अब पूर्ण रूप से हमारे लिए काम करने के लिए तैयार हो गए, वो भी यहाँ उपस्थित हैं। ये 15 लोगों की कमेटी जो बनी है वो पूर्ण रूप से समर्पित हैं बाबा रामदेव के लिए,
बाबा जी आप हमारे लिए महर्षि हैं, जैसे कृष्ण भगवान ने योद्धा को मार्गदर्शन दिया वैसे आप हमें मार्गदर्शन देते रहिए, यही हम चाहते हैं। स्वामी जी को अभी लखनऊ जाकर के वहाँ आम सभा करनी है और उत्तर प्रदेश को हिलाकर रखा है, इसीलिए उनका कार्यक्रम होने के बाद भी उन्होंने कहा मैं थोड़ी देर के लिए आके जाऊंगा, इसीलिए आपकी कृपा के लिए हम कोटि कोटि धन्यवाद आपको देते हैं। जिस दिन इस देश में संत लोग सही मार्गदर्शन के लिए आगे आ जाते हैं उस दिन धर्म युद्ध होती है और इस देश में इस धरती में धर्म के आधार पर ही राज बननी चाहिए। इसके लिए पहला कदम हमें इस देश की भ्रष्टाचार को मिटाना है और भ्रष्टाचार मिटाने के लिए हमें हर मोर्चे पर लड़ने की आवश्यकता है। युद्ध जो है पूर्ण लक्ष्य, युद्ध का लक्ष्य उसको ध्यान में रखते हुए हम लड़ते जाएंगे। महाभारत में भी कभी आगे पीछे होने की आवश्यकता पड़ी, कभी अभिमन्यु की मृत्यु देखना पड़ा, परंतु आखिर में धर्म की जीत हुई। वैसे ही भ्रष्टाचार पर भी हम छोटे मोटे इधर की हार कभी मानने वाले नहीं है, अंत तक जाएंगे। जब मैं पहले हाई कोर्ट में गया था 1.5 साल पहले और कहा कि सारे लाइसेंसेस को कैंसिल करने चाहिए, तो हाई कोर्ट ने मेरी याचिका को खारिज की थी, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट में गया और सुप्रीम कोर्ट ने परसों उसको पूर्ण रूप से रद्द कर दिया है। और कार्रवाई करने के लिए जो अनुमति लेनी होती है, मंत्रियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए अनुमति लेनी होती है जिसको सैंक्शन कहते हैं अंग्रेजी में, उसके लिए भी मैंने प्रधानमंत्री को पहले चिट्ठी लिखी, राजा के ऊपर केस डालने के लिए आपको अनुमति दीजिए। उन्होंने 1.5 साल के लिए कोई जवाब नहीं दिया मेरे 5 चिट्ठियों का। हाई कोर्ट गया था तो हाई कोर्ट ने माना नहीं और मेरी याचिका को खारिज की। फिर सुप्रीम कोर्ट में गया और सुप्रीम कोर्ट में भी परसों को हमारी जीत हुई। कौन होता है स्वामी प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखने के लिए? प्रधानमंत्री सबको चिट्ठी नहीं दे सकता है, जवाब चिट्ठी का जवाब नहीं दे सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हर नागरिक के कंप्लेंट पर प्रधानमंत्री को जवाब देना ही पड़ेगा। और कहा कि 0 लॉस हुआ है, कोई नष्ट नहीं हुआ है। ये लाइसेंस के घोटाले की बारी जब जिक्र कर रहे थे, अब लोग उनको दोष देते हैं। मैं कहता हूं बेचारा वो शून्य से आगे गिन भी नहीं सकता है। तो मैं आपसे कहने चाहता हूं, मैं आपको कहने चाहता हूं ऐसे ही एक मोर्चे में हारेंगे तो आगे बढ़ेंगे और दूसरे मोर्चे से जीत लेकर आएंगे। आज जेल नहीं भेज सके तो कल तो निश्चित भेज देंगे। तो इसके लिए हमें आशीर्वाद चाहिए और इस देश की संतों की आशीर्वाद प्राप्त हो। मुझे बड़ा हर्ष होता है कि इस मीटिंग के लिए श्री श्री रविशंकर ने आशीर्वाद की पत्र भेजी है। हमारे हिंदू धर्म आचार्य सभा के संयोजक स्वामी दयानंद सरस्वती, उन्होंने भी आशीर्वाद की पत्र भेजी है।
जो सारे संतों का एक समय एक समिति बनी है हिंदू धर्म आचार्य सभा, उनके कन्वीनर ने हमें आशीर्वाद भेजी है। ये धर्म युद्ध असली हो गई है और यदि संत महाराज जैसे पहले प्राचीन काल में होता था मार्गदर्शन करते रहेंगे और जब राजा गलती करेगा तो उसको फटका भी देंगे, तब ऐसे समाज में हम अपने देश में शुद्ध देश शुद्ध संस्कृति ला करके हमारी देश को दोबारा दुनिया के नंबर वन देश बना सकते हैं। आज हमारे देश की पैसा विदेशों में है, हमारे देश के अंदर विदेशी आकर के हमारी बिजनेस में और अन्य जगहों में हम लोगों को कमजोर कर रहे हैं, तो हम लोगों को इस सब चीज़ के लिए कैसा लड़ सकते हैं ये मैं विवरण स्वामी जी के भाषण के बाद और आशीर्वाद भाषण के बाद मैं आपको विस्तार में बताऊंगा। अभी मैं निवेदन करता हूं स्वामी जी से कि आपका समय सीमित है तो कृपया आप हमें मार्गदर्शन दीजिए। नमस्कार। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में ये होल छोटा पड़ गया है, लोग बाहर नारे लगा रहे हैं और आप सबकी उपस्थिति, मैं एक दो बातें इसके संदर्भ में कहना चाहता हूं। हमने ये जो प्रयोग किया है आज, इसमें किसी को घर जाकर के आमंत्रित नहीं किया, किसी संगठन से भी सूचना नहीं दी गई। यहां जितने लोग बैठे हैं अपने घरों से अपने आप एक स्वतः स्फूर्त संकल्प से उठ करके आए। हमारे मीडिया के भाइयों ने भ्रष्टाचार के इस खिलाफ इस लड़ाई में जो योगदान दिया है उसको इतिहास कभी विस्मृत नहीं कर सकता, उनका भी एक बार सब की ओर से बहुत बहुत अभिनंदन है। इस भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग में चारों ओर से हमें मोर्चा खोलना पड़ेगा, क्योंकि एक तरफ भ्रष्ट राजनीतिक तंत्र देश को लूट रहा है, दूसरी तरफ एक जटिल सरकारी तंत्र और तीसरी तरफ कुटिल व्यापारी तंत्र और उसके अलावा विदेशी षड्यंत्र चारों तरफ से जब देश को लूट रहा है तो भ्रष्टाचार के खिलाफ भी चारों ओर से आवाज उठनी चाहिए। ये लड़ाई कोई छोटी नहीं है और इस पूरी जंग में सरकार की नीयत और उसकी नीतियों के ऊपर देश की सर्वोच्च न्यायालय ने जो टिप्पणियां की हैं, जो फैसले दिए हैं, वो इस बात के प्रमाण हैं। हमारे यहां तो हम संस्कृत के पढ़ने वाले हैं, थाली में जब चावल आते हैं तो एक चावल को देखा जाता है कि पका हुआ है कि नहीं, हांडी में जब चावल पक रहे हैं तो उसको बोलते हैं थाली पुलाक न्याय, हंडिया में चावल पक रहे हैं तो एक चावल को उठा के देखा, यदि वो कच्चा है तो इसका मतलब हंडिया में चावल कच्चे और पक गया है तो इसका मतलब पक्के। 122 लाइसेंस रद्द करके सुप्रीम कोर्ट ने साफ संकेत दे दिया है कि ये केंद्र सरकार अब सत्ता में रहने का नैतिक अधिकार खो चुकी है। मुझसे मीडिया के भाई बोलते हैं बाबा जी आज जो फैसला आया उसके ऊपर आपकी पहली टिप्पणी क्या है? अरे मेरे भाई, एक मंत्री की नहीं, इस पूरे सरकार की नीतियां ही गलत है। वो कहते हैं पहली सरकार की नीतियां गलत थी। अरे माना कि पहली सरकार ने यदि गलत नीतियां बना दी थी तो तुम यहां पर क्या लड्डू खाने के लिए बैठे हुए थे? यदि पहली सरकार की तुम सारी नीतियों को अच्छा मानते हो तो फिर तुमने अपना अलग पार्टी क्यों बना रखी थी? अपना नाम बदल लो फिर। और बात इतनी सी नहीं है, बात यह है कि 122 लाइसेंस रद्द करके
सुप्रीम कोर्ट ने साफ संकेत दे दिया है कि दुनिया के इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला 1,76,000 करोड़ का हुआ है। यह मात्र आरोप नहीं है, सत्यापित हो चुका है, प्रमाणित हो चुका है। अब जब सारी सरकार ही कटघरे में खड़ी हो तो एक दो मंत्रियों की बात नहीं, यहां तो अब पूरा रास्ता ही साफ होना चाहिए, एक भारतीय राजनीति का पुनर्जन्म होना चाहिए। हम एक एक मंत्रियों के खिलाफ लड़ाई लड़ने की बात करते हैं, उसके लिए हमने स्वामी जी को छोड़ रखा है। मैं डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी जी के इस पुरुषार्थ को, उनके अभिक्रम को और हमारे भाई प्रशांत भूषण जी, इनको हम धन्यवाद देते हैं, पूरे राष्ट्र की ओर से बधाई देते हैं कि क्योंकि कानूनन पेचीदगियां बहुत होती हैं जंग में, उस जंग में इन्होंने एक ऐतिहासिक विजय प्राप्त की है, उसके लिए एक बार सबके ओर से इनको बहुत बहुत बधाई। लोकतंत्र और लोकतांत्रिक संस्थाओं को, संविधान को एक राजनीतिक पार्टी ने बंधक बना करके रख दिया। शहीदों के बलिदान की बदौलत मिली आजादी को उन्होंने बर्बादी बना करके रख दिया है। इस लोकतंत्र और संविधान की हत्या करने वाली सरकार को अब ज्यादा दिन देश के लोग बर्दाश्त करने वाले नहीं। यह पूरा राष्ट्र ऋणी रहेगा सुप्रीम कोर्ट का, जिन्होंने इनकी नियत की खोट को देश के सामने रखा। इसलिए हम सुप्रीम कोर्ट के उन न्यायाधीशों का संपूर्ण राष्ट्र की ओर से धन्यवाद करते हैं, उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हैं जिन्होंने ये साहसपूर्ण निर्णय दिया है। जिस पार्टी की केंद्र में लगभग 55 साल तक सरकार रही, पूरे तंत्र को उन्होंने बंधक बना के रखा हुआ है। जिसकी भी सरकार में जिसकी जहां नियुक्तियां होती हैं, मैं किसी एक तंत्र की बात नहीं कर रहा हूं, पूरे तंत्र को उन्होंने एक तरह से बंधक बना के रखा हुआ है। अब उसमें पूरा सच सामने आने में यद्यपि वक्त लगेगा, लेकिन संकेत साफ बता रहे हैं यहां दाल में काला नहीं, यहां तो पूरा ही घोटाला है। दाल में काला हो तो चलो ढूंढ के निकाल लो, लेकिन यहां तो पूरी दाल ही काली है। भाई बहनों, यहां दिल्ली में भी और पूरे देश में कहा जाता है जेब कसरों से सावधान। जो 100, 200, 500 रुपए जेब काट लेते हैं उनसे हमें सावधान किया जाता है। अरे इन्होंने तो पूरे देश पर ही डाका डाल दिया, इनसे सावधान हो जाओ। जिन्होंने पूरे देश के ऊपर डाका डाल करके देश विदेश में 400 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति जमा कर दी, जिसको हम काला धन की संज्ञा देते हैं, जिसको हम ब्लैक मनी कहते हैं, जिसको हम डर्टी मनी कहते हैं। देश के बाहर जो धन जमा है वो तो देश में आना ही चाहिए, देश के भीतर भी चाहे वो इलीगल माइनिंग है। देश में अभी तक जितने घोटाले हुए ये तो छोटे पड़ जाएंगे, जिस दिन अलग अलग खननों के घोटालों का पूरा हिसाब देश के सामने आएगा। साहब, इलीगल माइनिंग में जो काला धन लगा है और उससे जो अर्जित किया है, ड्रग्स, बीड़ी, सिगरेट, शराब, ये पूरा का पूरा बहुत बड़े माफिया, ड्रग माफिया, इलीगल माइनिंग में, ड्रग्स में, उसके बाद राजनीति में, उसके बाद थोक बाजारी में, काला बाजारी में और रियल स्टेट में। इसकी रियलिटी जब आप देखेंगे तो पता लगेगा। आज भी भारत की अर्थव्यवस्था कमजोर नहीं है, माना दुनिया के 204 देशों में भारत की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था गिनी जाती है, वो इतने लूट के बाद, इतने डाके डाल लिए उसके बाद। जिस दिन भारत में से भ्रष्टाचार खत्म होगा, लूटा हुआ देश का धन वापस मिलेगा, उस दिन भारत से आगे ये जापान, चीन और अमेरिका नहीं मिलेंगे। एक ही दिन में भारत वर्ल्ड इकोनॉमिक सुपर पावर बनेगा और हमको मिलकर के बनाना है।
मुझे बहुत आश्चर्य होता जब राजनीति के दंगल में बोले तुम बड़े चोर, तुम बड़े चोर। आप रोज टीवी चैनलों पर भी ये बहस सुनते हो और पब्लिक भाषणों में भी, जब पब्लिक के बीच में नेताजी बोलते हैं, कोई कहता है ये पैसा खा गया, कोई कहता वो पैसा खा गया। अब पूरे हिंदुस्तान ने देखा है। मैं किसी को टारगेट बना करके बात नहीं कर रहा हूं। कुछ लोग कहते हैं बाबा जी आप लोग एक ही पार्टी को टारगेट क्यों बनाते हो। मैंने कहा हम तो किसी को टारगेट नहीं बनाते, वो पार्टी हमको हर वक्त टारगेट बनाती है, ये बात सच्ची है। और एक ही पार्टी हमको टारगेट बनाती है, इसका मतलब मैं बाकी पार्टियों को कोई क्लीन चिट नहीं दे रहा हूं, लेकिन किसी पर आरोप भी नहीं लगा रहा हूं। दूसरी पार्टियां भ्रष्टाचार के खिलाफ इस जंग में यदि साथ ना दें, कुछ तटस्थ हैं, कुछ मौन हैं, कुछ मुद्दों का समर्थन कर रही हैं, लेकिन जब हम काले धन और भ्रष्टाचार के खिलाफ बात करते हैं तो एक ही पार्टी को पेट में दर्द क्यों होता। इसका मतलब चोर की दाढ़ी में तिनका। अब इनके तिनके नहीं साहब, इनके तो पूरे झाड़ झंकाड़ है। योग ऋषि सच इस देश के सामने आएगा तब एक दो गद्दाफी नहीं, यहां हजारों गद्दाफी नजर आएंगे। मैं यहां पर लीबिया जैसे खूनी क्रांति की हिमाकत करने के लिए नहीं बोल रहा हूं, लेकिन जिस तरह से हौसनी मुबारक, जिस तरह से बेन अली और गद्दाफी ने देश को लूटा, सत्ता में जब तक वो थे तब तक उनका पता नहीं था कि किसने कितना लूटा है, लेकिन जब सत्ता से उनका पत्ता साफ हुआ तब पता लगा। अरे एक तरफ तो लीबिया की जीडीपी पूरी 4 लाख करोड़ रुपए की है और अकेला गद्दाफी 10 लाख करोड़ रुपए लूट करके बैठा है और 1400 टन तो उसके पास में सोना है। जब हिंदुस्तान के इन बेईमानों का पूरा सच सामने आएगा, जिस दिन पूरी की पूरी जन्म कुंडली इनकी खुलेगी और सच पूरा बेपर्दा होगा, तब आप इस बात को महसूस करेंगे कि किस तरह से 121 करोड़ लोगों का हक लगभग 121 लोगों ने लूट लिया और हिंदुस्तान को दरिद्र बना दिया। ये स्वामी रामदेव के भीतर का आक्रोश नहीं, ये इस देश के जन जन का आक्रोश है। मैं तो उस पीड़ा को मात्र शब्द दे रहा, ये इतने षड्यंत्रकारी है। अच्छा बताओ ये बाबा के पीछे लठ लेके क्यों पड़े हुए, बाबा ने कोई इनकी भैंस खोल ली तो हमने क्या कर लिया भाई। अब ये इनको अफजल गुरु देशभक्त नजर आता है, योग गुरु देशद्रोही नजर आता। ये क्यों इस बात को कह रहा हूं, सारी एजेंसियां बाबा के पीछे लगा दो। एक मेरे से बोला बाबा वो आपके बालकृष्ण जी के पीछे भी तो सीबीआई लगाई। मैंने कहा ये सबसे बड़ा प्रमाण है कि आचार्य बालकृष्ण का योगदान बहुत बड़ा है हिंदुस्तान के लिए। यदि ईमानदार आदमी के पीछे, देशभक्त आदमी के पीछे सीबीआई लगा दी जाए तो उसकी देशभक्ति का सबसे बड़ा प्रमाण हो जाता है। इसका मतलब मैं सीबीआई की पूरी कार्यप्रणाली पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगा रहा हूं, लेकिन जिस तरह से लोकतंत्र और मैंने कहा लोकतांत्रिक संस्थाओं को बंधक बना के रख लिया है, उससे भी बहुत बुरा हाल है साहब। ठीक है सीबीआई ने कुछ अच्छे काम भी किए, लेकिन सीबीआई सरकार की कठपुतली बन के काम करे और ऐसा ही लोकपाल बनाना चाहते हैं, जिधर चाहे उसको घुमा दें। हम मजबूत लोकपाल तब मानेंगे जब लोकपाल की नियुक्ति निष्कासन ठीक तरीके से होगा, जिसमें सरकार का सीधा हस्तक्षेप ना हो और सीबीआई की एंटी करप्शन विंग यदि लोकपाल के अधीन हो तब मानेंगे कि लोकपाल ये सही बनाना चाहते, मजबूत बनाना चाहते। ढिंडोरा पीटा जा रहा है, इन्होंने लोकपाल पास नहीं होने दिया। ये लोकपाल भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए नहीं, ये लोकपाल भ्रष्टाचार को बढ़ाने के लिए बनाना चाहते हैं साहब। ये कोई खुशी की बात नहीं, लेकिन तुम्हारी आदत पड़ी हुई ताली बजाने की तो कोई बात नहीं, बजा लिया। 122 लाइसेंस रद्द कर दिए गए और ये कह दिया गया कि कदम कदम पर कानून का वायलेशन हुआ है, जीरो लॉस की बात को झूठा साबित कर दिया है, सरकार की धज्जियां उड़ा करके रख दी। और फिर कहते हमें तो सुप्रीम कोर्ट ने कुछ भी नहीं कहा,
हमने तो आंखें बंद कर रखी हैं, कान भी बंद कर रखे हैं, और जुबान खबरदार कोई बोलेगा नहीं। आपने देखा होगा दो दिन पहले टीवी चैनलों के ऊपर उस पार्टी के लोगों के बोलने वालों का टोटा पड़ा हुआ था। हमारे गांव में कहावत है, एक आदमी ने बहुत पाप कर्म किया, उसको गांव वालों ने गधे पर बैठा करके, मुंह काला करके, गले में जूतों की माला डाल के पूरे गांव में घुमा दिया। शाम को जो गधे पर बैठा था, मुंह काला करके, गले में जूतों का हार पहना करके, बोला भाई आज तो बेइज्जती होते होते बच गए। अब शायद ये दक्षिण वालों को ये कहावत पता नहीं गुरुमूर्ति जी पूरी समझ में आई कि नहीं आई, उनको समझा देना अपने पड़ोसी को। अब इनकी हालात ऐसी है, देश की सर्वोच्च अदालत ने अपना फैसला सुना दिया है, अब जनता की अदालत में भी फैसला होने वाला है, और मैदान में ये सब साफ होंगे तब इंसाफ देश को मिलेगा और देश में सच्चा लोकतंत्र कायम होगा। और हम देश के लोगों से कोई सत्ता या सिंहासन पाने के लिए कोई आह्वान नहीं कर रहे हैं, हम तो आसन ही करके खुश हैं, लेकिन सत्ता के सिंहासन पर जो बेईमान लोग बैठे उनका शीर्षासन पूरे हिंदुस्तान के लोगों को कराना है। भाई बहनों, मैं अभी आगे यहां से प्रस्थान कर रहा हूं और जाकर के भगवान शिव की नगरी काशी से, उसके बाद प्रयागराज, फिर अयोध्या, उसके बाद गोरखपुर, सारे ही आध्यात्मिक नगरियों को चुना है जहां भगवान श्री कृष्ण ने परित्राणाय साधनों विनाशाय च दुष्कृतम को उद्घोष किया। बहुत से लोग कहते हैं बाबा तूने पंगा क्यों मोल ले लिया। मैंने कहा भगवान राम ने जब पंगा लिया था तब उससे क्यों नहीं पूछा, भगवान कृष्ण ने क्या पंगा मोल नहीं लिया, और हमारे सभी महापुरुषों ने पंगा मोल लिया। कौन ऐसा महापुरुष है जिसने पाप अधर्म अन्याय के विरोध में संघर्ष ना किया हो। मैं अपने आप को महापुरुष नहीं कह रहा हूं, मैं अपने आप को राम और कृष्ण नहीं कह रहा हूं, लेकिन मुझे गर्व है कि मैं राम और कृष्ण का वंशज हूं और उनके बताए रास्ते पर चलना मेरा धर्म है, ये मेरा कर्तव्य है। क्योंकि राजनीति में जब बैठे लोग हैं, कोई गठबंधन धर्म निभा रहा है, कोई अपना पार्टी धर्म निभा रहा है, राष्ट्र धर्म निभाने के अब देश को 121 करोड़ लोगों को खड़ा होना होगा, और अपना अधिकार यदि मांगने से नहीं मिला तो उसको छीनना पड़ेगा, और हिंदुस्तान को उसका हक आखिर मिल करके रहेगा। और मैं बात इसलिए कह रहा हूं, मैंने जब इस बात को कहा तो बहुत लोगों ने कहा बाबा ने अपनी तुलना भगवान से की, अरे यदि हम भगवान को अपना आदर्श नहीं मानेंगे तो क्या शैतान को मानेंगे। मैंने कहा भाई भगवान राम और कृष्ण को मैं यदि अपना आदर्श मानता हूं और उनको अपना पूर्वज मानता हूं, अपने आप को उनका वंशज मानता हूं, तो इसमें आपत्ति क्या। अब बताओ राम जी ने जाकर के रावण सहित कितने लोगों का, असुरों का वध किया, भगवान श्री कृष्ण जी ने कोई सिंहासन पाने के लिए, सत्ता पाने के लिए नहीं, कोई लंका में भगवान राम को अपना राज्याभिषेक नहीं करवाना था, यहां पर भगवान श्री कृष्ण को कौरव पांडवों के बीच में जंग लड़ा करके कोई सिंहासन नहीं पाना था। और चलो भगवान राम कृष्ण से आगे मैं बात करता हूं, हमारे तो हनुमान जी तो योगी थे, वो तो आकाश गमन सहित उनको सब सिद्धियां थी। अच्छा बताओ हनुमान जी ने क्यों पंगा मोल लिया, अपने आप ब्याह करवाया नहीं और दूसरी की पत्नी ढूंढता फिर रहा है। तो भाई जब पंगा हमारे सब बड़ों ने मोल लिया तो अब तो भाई ये पंगा हिंदुस्तान के 121 करोड़ लोगों को मोल लेना पड़ेगा, तभी हिंदुस्तान बचेगा। और संतों को किसने नहीं सिताया। अच्छा बताओ बाबा जी तो जो है इन बेईमानों की आंख की किरकिरी इसलिए बना हुआ है कि वो इन्होंने लाख यत्न कर लिए उसको मिटाने के, उसको दबाने के, उसको खरीदने के, कुचलने के, लेकिन कामयाब नहीं हो पाए। लेकिन सुनो तो गुरु नानक देव जी ने क्या जुल्म इनके खिलाफ क्या किया था, गुरु अर्जन देव जी
उनको भी इन्होंने कितना सताया। गुरु नानक देव जी से भ्रष्ट सत्ता ने चक्की पिसवाई। गुरु अर्जन देव जी को तपते तवे पर बैठा दिया, गाय के मांस में उनको लपेट दिया गया और उनके ऊपर तपते तवे पर नीचे बैठा करके ऊपर से तपता रेत डाला गया। गुरु गोविंद सिंह जी के साथ क्या जुल्म नहीं हुआ। मैं अपनी तुलना उन महापुरुषों से फिर नहीं कर रहा हूं, लेकिन जब मेरे पूर्वजों ने कष्ट सहे देश धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए, चाहे कितना ही कष्ट सहना पड़े, कितना ही अपमान करें, लेकिन अपने स्वधर्म और राष्ट्र धर्म से विचलित तो होने वाले नहीं है, लड़ेंगे और जीतेंगे। तो भाई बहनों, ये जंग बहुत लंबी है। एक मीडिया के भाई ने मुझसे पूछा, क्या बाबा जी आज भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग को झटका नहीं लगा। मैंने कहा, जंग का फैसला तो पहले ही हो चुका था, अब तो जंग के ये छोटे छोटे पुर्जे बचे हुए हैं। अब इस पूरी लड़ाई को मजबूती से लड़ना है और 2012 का वर्ष क्रांति का काल है। 2012-13 में इस क्रांति की लपटें पूरे हिंदुस्तान में उठेंगी और 2020 तक भारत वर्ल्ड इकोनॉमिक स्पिरिचुअल पावर एंड वर्ल्ड इकोनॉमिक पावर के रूप में, आर्थिक महाशक्ति, आध्यात्मिक महाशक्ति के रूप में खड़ा होगा। ये करीब करीब 7 वर्ष का समय है और देश अंगड़ाई लेगा। आजादी से पहले करीब 400 लाख करोड़ रुपए के लूट हुई, वो तो बेगानों ने लूटा था, विदेशियों ने लूटा था हिंदुस्तान को। साहब, जब रॉबर्ट क्लाइव सत्ता में था तब तक वो सच सामने नहीं आया था, लेकिन बाद में पता लगा, एक रॉबर्ट क्लाइव 900 सोना चांदी के जहाज लूट करके लेकर के चला गया, 900 जहाज, 400 लाख करोड़ रुपए के करीब विदेशियों ने लूटा, क्योंकि वो अपना नहीं मानते थे वतन को। लेकिन उससे भी ज्यादा अफसोस तब होता है, आजादी के इन 64 वर्षों में कुछ भ्रष्ट, बेईमान और गद्दार लोगों ने देश में चारों ओर से डाका डाला है और करीब 400 लाख करोड़ पे खुद तो लूटा, और अब देश की आधी से ज्यादा अर्थव्यवस्था पर विदेशी कंपनियों का पूरा लूट का षड्यंत्र, उनका शिकंजा। तो अब भाई एक देश की बात नहीं, मैंने कहा ये कुचक्र बहुत गहरा है। कोई कहता है एफडीआई आएगी, उससे इतने करोड़ रुपए मिल जाएंगे, एफडीआई आएगी इतने लोगों को रोजगार मिल जाएगा। मैंने कहा, हम विदेशों के सामने हाथ फैलाए पैसा मांगने के लिए दरिद्र होकर के, ये हमारा धर्म हमारी संस्कृति नहीं कहती। अरे हमारा काला धन हमें वापस दे दो, हमें एफडीआई की जरूरत ही नहीं है, हिंदुस्तान अपने आप में बहुत शक्तिशाली। अभी भी बहुत प्रश्न बाकी हैं देश के अंदर और उनका समाधान प्रामाणिकता के साथ करना है और एक लंबी जंग लड़नी है। और इस जंग के लिए मैंने कहा, एक दिशा से नहीं, सभी दिशाओं से। आज भ्रष्टाचार के खिलाफ यहां 15 प्रामाणिक लोगों की देश में, जिन्होंने अपने अपने ढंग से लड़ाई लड़ी है और जिनके दिल में बहुत पीड़ा है, देश के लिए कुछ करने का अरमान है, उनकी एक कमेटी बनी है। मैं तो चाहता हूं, मुझसे लोग पूछते हैं, बाबा जी क्या भ्रष्टाचार के लिए अलग अलग मोर्चे बनने चाहिए? मैंने कहा, जब लूटने वाले हर मोर्चे पर डटे हुए हैं तो बचाने वाले भी अनेक मोर्चों के रूप में हिंदुस्तान में खड़े होने चाहिए। अभी तो ये एक मोर्चे की शुरुआत हुई है, ऐसे और भी मोर्चे बनने चाहिए। और जो भी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ेगा उन सबको हमारा आशीर्वाद रहेगा, उनको सबको हमारी शुभकामनाएं रहेगी। कोई भी संगठन, कोई भी पार्टी, कोई भी व्यक्ति, और हमने अपने इस सिद्धांत को प्रामाणिकता से निभाया है, पहले भी, आज भी निभा रहे हैं और आगे भी निभाएंगे, खुद भी लड़ेंगे और जो दूसरे लड़ रहे हैं उनको सबको अपनी शुभकामनाएं देंगे, और ऐसा ही होना चाहिए।
भाई बहनों, मैंने क्योंकि आगे अभी जाना है और मैं अभी ये जो जंग है उत्तर प्रदेश में शुरू हो रही है, उत्तर प्रदेश ने हमेशा एक बात पर निर्णायक भूमिका निभाई है। जब जब देवासुर संग्राम हुआ, धर्म युद्ध हुआ है और अभी वाराणसी, प्रयागराज और अयोध्या और गोरखपुर के बाद में एक बहुत बड़ी, हजारों नहीं लाखों की संख्या में लखनऊ के अंदर एक बहुत बड़ी सभा हो रही है, उसके बाद बांदा में, उसके बाद मैनपुरी में और पूरे उत्तर प्रदेश में जाकर के जो सरकार ने पाप किया है उसको सामने रखेंगे और देश को इंसाफ दिलाने के लिए लोगों से आह्वान करेंगे कि जो लूट के लिए गुनहगार हैं, जिम्मेदार हैं, उसमें से एक भी व्यक्ति विधानसभाओं में चुन करके नहीं पहुंचना चाहिए। यदि ऐसे लोग पहुंच जाते हैं तो देश के साथ धोखा, विश्वासघात, महापाप होगा। और वोट करने के लिए सब घर से बाहर निकलो। मुझे प्रसन्नता है कि मणिपुर से लेकर के, पंजाब से लेकर के और बर्फबारी के बीच में उत्तराखंड के लोगों ने भी एक अपने भीतर, अखंड उनके भीतर जो राष्ट्र धर्म की ज्योति जल रही है उसको बरकरार रखा। और मैंने भी जाकर के वोट किया और करीब 80% वोटिंग हुई। एक बार सभी के लिए बधाई है जिन्होंने घरों से बाहर निकल करके अपने वोट का इस्तेमाल किया। देखो, सब जन आंदोलनों की में साथ देना, बाहर निकलना, ये जन आंदोलन विरोध प्रदर्शित करने के लिए और किसी सच की मुहिम का साथ देने के लिए है, लेकिन असली परिवर्तन तो वोट से आएगा। मैं एक सन्यासी और योगी होकर के वोट देता हूं इसलिए नहीं कि मुझे सत्ता चाहिए, इसलिए नहीं कि मुझे सिंहासन चाहिए, इसलिए नहीं कि मुझे किसी से नफरत और घृणा, बल्कि इसलिए कि सत्ता में अब तो सत्य स्थापित होना ही चाहिए। इसलिए सब लोग घरों से बाहर निकलें और वोट की चोट करके, वोट का प्रहार करके भय, भ्रष्ट और बेमान लोगों का बहिष्कार करें। मैंने कहा, जूते, थप्पड़ और पत्थरों की मार से नहीं, वोट की प्रहार से, वोट की चोट से इस लोकतंत्र की खोट को दूर करना चाहिए। ये काम होगा उसके लिए मैं आगे निकल रहा हूं। आपको यहां बात कुछ आज इस मैदान जंग से सीख करके जाना है। भाई अभिषेक जी कह रहे थे कि अकेला आदमी भी बहुत संघर्ष करके बहुत कुछ हासिल कर सकता है, तो यदि सुब्रमण्यम स्वामी अपने आप को अकेला मानते हो तो शायद ही भ्रम होगा। आपके प्रति बहुत लोग प्यार करते हैं। अकेला तो ये स्वामी है, आप तो वैसे भी अपनी पत्नी के भी स्वामी हो। मैं अपने आप को अकेला कहूं तो समझ में आता है, आप अकेले कैसे हो सकते हैं साहब। तो सुब्रमण्यम स्वामी अकेले नहीं हैं, बाबा रामदेव अकेले नहीं हैं। और कुछ लोगों को बोलते हैं, हाँ बाबा तू अकेला नहीं है, तेरे आगे ये है, तेरे पीछे वो है। मैंने कहा, मेरे आगे पीछे कौन है, ये मुझे दिखता है या तुम्हें दिखता है? बोले, बाबा के पीछे वो है। इधर कौन है? अभी देखो आप इनमें, तुम लोग संघ के हो क्या? कहते हैं बाबा के पीछे संघ है, बाबा के आगे कोई राजनीतिक दल, बाबा के दाएं बाएं कुछ और है। मैं तो अपने आगे पीछे दाएं बाएं भगवान को देखता हूं और 121 करोड़ लोगों को देखता हूं और उनके लिए जंग लड़ता हूं। उसमें संघ आए उसका स्वागत है, उसमें सब राजनीतिक दल आए उनका स्वागत है, उसमें हिंदू आए, मुसलमान आए, सिख आए, ईसाई आए, दलित आए, वाल्मीकि आए, आ रहे हैं, आएंगे, और हम सब मिलकर के जंग लड़ेंगे और देश को बचाएंगे, काला धन लाएंगे, भ्रष्टाचार मिटाएंगे। अब और कुछ बात नहीं मिलती तो पता नहीं भाई इनको किसी से डर लगता होगा, लगता है बहुत से लोगों को। अब एक सामाजिक संगठन से इतना ज्यादा डर लगता हो तो ये हो सकता है उनके सपने में वो आते होंगे। हमने तो कभी छुआछूत सीखा नहीं, हमारे बड़ों ने हमको यही बताया, संगच्छध्वम संवदध्वम सम्मो मनांसि जानता। तो आओ सब मिल करके इस जंग को लड़ें। और मैं तो कहूंगा जितने भी जन आंदोलन चलाने वाले व्यक्ति हैं और
जितने भी जन आंदोलन चलाने वाले संगठन हैं, अलग अलग दिशाओं से आंदोलन चलाएं, लेकिन सबके भीतर लक्ष्य को लेकर के, ध्येय को लेकर के जब तक एक रूपता नहीं आएगी तब तक जंग में थोड़ी मजबूती नहीं आएगी। तो अब वक्त आ गया है सब लोग मिलकर के इस जंग को लड़ें। हम लड़ेंगे और मैंने कहा जीतेंगे, क्योंकि आज वक्त कम है। मैं अपने दिल्ली पुलिस के जवानों को बहुत गालियां सुननी पड़ी। दिल्ली के दिल पर नहीं, भारत माता के दिल पर जिन लोगों ने गहरे प्रहार किए हैं और सत्ता का दुरुपयोग करके इस देश की दुर्दशा की है, उसको अब सबको मिलकर के सबक सिखाना पड़ेगा। एक बार हमारे दिल्ली पुलिस के जवानों के लिए भी हमारी शुभकामनाएं। मैंने कहा यह जो पूरी लोकतांत्रिक शासन प्रणाली है, इसमें तंत्र तो सत्ता का एक तरह से गुलाम होने के लिए बेवश हो जाता है, ऐसी कुछ व्यवस्थाएं बनाई गई हैं, लेकिन हम सबको धन्यवाद देते हैं। और आज कुछ लोगों को बाहर खड़ा होना पड़ा है, कुछ लोगों को ऊपर खड़ा होना पड़ा है। ऊपर वाले भी हमारे साथ में हैं और ऊपर वाला भी हमारे साथ में है। और जो भीतर आ चुके हैं वो भी साथ में हैं। ये तो हम एक छोटा सा आह्वान किया आपसे, तब आप इतने लोग आए। अब तो दिल्ली में निर्णायक जंग जो होगी उसका ऐलान आज नहीं करने जा रहा हूं, एक और निर्णायक जंग होगी। और उस जंग में, उस देवासुर संग्राम में, धर्म युद्ध में सत्य विजयी होकर के निकलेगा। लेकिन सत्य के लिए अब ये संघर्ष के दौर से हम गुजर रहे हैं। आप सबको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं और पूरी कमेटी को हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप बैठे रहिए। पूजने महर्षि जी से अनुरोध है कि एक्शन कमेटी की नई वेबसाइट हमने बनाई है, हम चाहेंगे कि वह महर्षि जी के द्वारा ही लॉन्च हो और वह हमें उसे आशीर्वाद में भी मिले। मैं अनुरोध करूंगा कि वो प्रोजेक्टर पे जाएगा। ये महर्षि जी ने लैपटॉप पे ही आशीर्वाद दे दिया। वेबसाइट ACACI की आज से लॉन्च हो गई है। प्रोजेक्टर और तकनीकी कारणों की वजह से हम क्षमा चाहते हैं, लेकिन आज से योग ऋषि स्वामी